तो भाई लोग, एक बार फिर से हम आ गए हैं रेंच सिमुलेटर गेम प्ले में। मैंने कहा था ना पिछली बार लंबाई खींचूंगा, देखो नहीं खींचा। ठीक है, अब पूरी वीडियो देखो। खैर, टॉप के 2 फ्लोर पे तो पेंट हो ही चुका था, और अभी यहाँ पे थोड़ी बहुत लाइटिंग वाइटिंग की व्यवस्था करते हैं, और नीचे के जो 2 फ्लोर हैं बचे हुए उनके ऊपर पेंट करते हैं। तो भाई यार, अब आ गए हम नीचे वाले फ्लोर पे, जो मतलब बीच वाला। तो भाई लोग, अब आ गए हम दूसरे फ्लोर पे, या फिर कह सकते हो फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर है सबसे नीचे वाला। तो फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं हम, और जो पेंट वेंट रखने वाला कमरा है उसके अंदर भी पेंट किया जा रहा है। और ये कमरा तो पूरी तरह से पेंट हो गया है, अब चलते हैं दूसरे कमरे में। और भाई लोग, ये है बिल्डिंग मटेरियल रखने वाला कमरा, जिसके अंदर लकड़ी और भाई मेटल वगैरह ये सब चीज़ें रखी जाती हैं, और वो भी हो गया पूरा हरा हरा। और भाई लोग, अभी कहते हैं बाहर के इलाके में जो गैलरी सी है उसके अंदर पेंट, और काफ़ी ज़्यादा रात हो गया पेंट करते करते, लेकिन भाई फिर भी काम चालू है। इसके अंदर कर रहे हैं हम वाइट पेंट। और भाई लोग, ये है भाई की सेटिंग कमरा, इसलिए हम पिंक पिंक कर रहे हैं इसे। खैर, ये एक फालतू कमरा था, मुझे समझ में नहीं आता क्यों बनाया मैंने, किस लिए बनाया, क्या काम है इसका। बस जगह थी फालतू की तो बना दिया, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता इसका काम, तो इसलिए ठीक है ऐसे ही कर दिया। पिंक पिंक सा कलर फालतू बचा था वैसे भी। और भाई लोग, यहाँ पे तो पूरा सफ़ेद सफ़ेद हो ही गया बाहर के इलाके में, अंदर हो गया यहाँ पे हरा, और यहाँ पे। तो भाई लोग, बीच वाला फ्लोर पूरा का पूरा पेंट करने के बाद अब तुम्हारा भाई आ चुका है सबसे नीचे वाले फ्लोर में, और यहाँ पे पेंट हो रही है किचन। इसे तुम एक तरह से छोटी सी वर्कशॉप भी कह सकते हो, मतलब जहाँ पे ये सारा सामान वामान प्रोसेस हो, क्योंकि टेबल वेबल लगा के यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के काम करने का इलाका बना रखा है। और भाई लोग, यहाँ पे आ गए हम एक और कमरे में, इसमें हम लाल पेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो भी फालतू का सामान है वो सब रखा जाएगा। वो सामान जिसका कुछ इस्तेमाल ही नहीं पता, कहाँ लगेगा क्या होगा कुछ नहीं, उसे खुद नहीं पता वो क्यों है। और भाई लोग, यहाँ पे आ गए हैं हम बाहर की गैलरी पेंट करते हुए, बिल्कुल नीचे वाले फ्लोर में, और इसे कर रहे हैं हम ऑरेंज पेंट। और भाई साहब, यहाँ पे पेंट की कमी होने के बाद हम फिर से आ गए पेंट को लेने, उस सारे पेंट की जरूरत पड़ जाए सही में। तो भी सारा का सारा पेंट लेके चलते हैं भाई अपने रेंच पे वापस से, और जहाँ भी रह रहा है पेंट लगाते हैं जल्दी जल्दी। और भाई लोग, पेंट के साथ तुम्हारे भाई सोचा क्यों ना थोड़े से वुड प्लैंक्स भी ले लिए जाएँ, तो इन्हें भी इकट्ठा कर लेते हैं अब। तो चलो यार, पेंट आ गया, और यहाँ पे ऑरेंज पेंट ख़त्म करते हैं जल्दी से, अब के पास सफिशेंट पेंट है। तो देख लो यार, पूरा इलाका पेंट हो चुका है एकदम ढंग से। ये सीढ़ियाँ कर दी हैं तुम्हारे भाई ने सारी की सारी ब्राउन। भाई लोग, यहाँ पे गुलाम भी कमरा भी पेंट हो चुका है, और कुछ ऐसा दिखता है अपना घर बाहर से पेंट होने के बाद में। तो जल्दी से बताओ यार, कैसा लग रहा है ये? नहीं ऐसे मतलब, तुमने पहली वीडियो में भी जो सबसे पहली वाली थी उसे भी देखा हुआ है ये घर बाहर से पेंट हुआ, लेकिन फिर भी बताओ। और भाई लोग, यहाँ पे जितने भी हेंथ हाउस हैं वो भी सारे के सारे बना भी दिए और पेंट भी कर दिए, एकदम सेट हो गए हैं। अब इनके अंदर बस मुकरे आने बाकी हैं, और यहाँ पे हम जा रहे हैं गाड़ी लेके कुछ सामान बेचने। तो अभी तुम्हारे भाई लकड़ी काटने के लिए आरा मशीन भी ले आया, दोनों इलेक्ट्रिक, मतलब जो फास्ट वाली वो भी, और जो सस्ती वाली है वो भी। तो भाई यार, यहाँ पे पूरा कमरा सजा दिया गया है जो हार्डवेयर वाला है, इसके अंदर लकड़ी मेटल और भाई आरा मशीन सब कुछ है। यूपीएस मारे चौथ फिर बोलने लगा। और यहाँ पे पेंट वाला कमरा भी पूरा सजा दिया गया है, इसके अंदर हर तरह का पेंट है। तो भाई मतलब ये है कि जैसे किसी सामान की जरूरत पड़े ना, तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा दूर खरीदने वरीदने, बस तो यहीं पे काम हो जाएगा। भाई लोग, अभी बनाते हैं टेबल यहाँ पे रसोई के अंदर। भाई लोग, यहाँ पे टॉप फ्लोर पे लाइटिंग का भी काम शुरू हो चुका है, और घर में फिर बाकी जगह पे भी लाइट वाइट लगाएंगे मस्त, अगली वीडियो में, ऐसी वीडियो में जैसे भी होगा देखा जाएगा। और भाई लोग, यहाँ पे बाहर भी 2 लाइट लगा दी, जिससे कि थोड़ा सा मतलब चांदना सा रहे, अंधेरा कायम ना रहे, चांद ना रहे। और भाई लोग, यहाँ पे जो मेन होल है उसके अंदर भी लाइट वाइट का काम चल रहा है काफ़ी तेज़ी से। और भाई लोग, यहाँ पे जो पिलर है इसमें भी लाइट लगा दी तुम्हारे भाई ने, कि मतलब बढ़िया चांदना होना चाहिए सब जगह, ठीक है। और यहाँ पे लगाई है लाइट फर्स्ट पे, मतलब लोग फ्लोरिंग में अलग अलग चीज़ करते हैं, हम लाइट ही लगा देते हैं सीधा। और भाई लोग, यहाँ पे लाइट लगा रहे हैं छत में, एक अजीबो गरीब से पैटर्न में एक्स वैक्स पता नहीं कैसे कैसे बना के टेढ़ी मेढ़ी लाइटें लगा दी गई है यहाँ पे भी, जैसे तैसे करके जुगाड़ उगाड़। और भाई लोग, यहाँ पे हम आ गए नीचे, और यहाँ भी लाइटें वाइट लगा दी गई हैं ढंग से। ये हर वाला कमरा है जिसके अंदर सारा हार्डवेयर का सामान रहता है बिल्डिंग मटेरियल का। यहाँ पे भाई लोग, ये जो पिंक वाला कमरा है ना, ये बिना लाइट लगाए एकदम चांदना चांदना हो गया, इसके अंदर चारों तरफ से जो लाइट आ रही है वो उन्होंने पूरा काम कर दिया यहाँ पे ढंग से। और भाई लोग, ये है बाहर का इलाका, जो बालकनी है उसकी जो छत है वहाँ पे लगाए जा रहे हैं ये लाइट, वो काफ़ी सही लग रहा है। यहाँ पे बाहर हॉल में भी लगा दी लाइट, जो सफ़ेद वाला मेन हॉल है। और आज की वाली वीडियो में बस इतना ही, मज़ा आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ हो जाना चाहिए एकदम ढंग से, और मिलेंगे हम तो अगली वीडियो में।